रीवा के चाकघाट नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संचालित बस स्टैंड अतिक्रमण की चपेट में। बस स्टैंड में यात्री बस की जगह खड़े रहते हैं प्राइवेट वाहन। मामले में भाजपा युवा मोर्चा रायपुर मंडल उपाध्यक्ष अमन केसरवानी ने अधिकारियों का ध्यान करवाया कर्षित। बताया गया कि बस स्टैंड में जिले भर की प्राइवेट बसें नहीं पहुंच रही हैं। वहीं प्राइवेट बस संचालकों द्वारा मनमानी पूर्वक हाईवे से ही यात्रियों को बैठाया जा रहा है, जिसकी वजह से बस स्टैंड की रौनक पूरी तरह बिगड़ी हुई है। शासन द्वारा लाखों रुपए की राशि खर्च कर तैयार किए गए बस स्टैंड के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आपका? मेरा नाम अमन केसरवानी है, मैं रायपुर मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ भारतीय युवा मोर्चा से। चाकघाट बस स्टैंड में किस प्रकार से अव्यवस्थाएं हैं और क्या मांग है आपकी? चाकघाट बस स्टैंड में अतिक्रमण का ढेर है। यहाँ पे निजी वाहन लोगों ने खड़ा रखा है और जो भी प्राइवेट बसें आती हैं वो बॉर्डर में खड़ी होती हैं। इसे सुचारू रूप से चलाया जाए और प्रशासन इसमें ध्यान दे और माननीय कलेक्टर जी से मैं कहना चाहूँगा कि इसको चालू कराया जाए। जो भी यहाँ पे निजी वाहन और ये खटिया मटिया जो सब रखे हैं इसको हटवाया जाए और जो भी प्राइवेट बसें यहाँ से चलती हैं, यहाँ पे रोडवेज चलती है, तो उन्हें सवारी मिले और सवारियों को सुविधा मिलती है।